हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेमिप्टाइसिस के बारे में। हेमिप्टाइसिस क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है। कफिंग अप ब्लड यानी कि जब आप खांसते हैं, खांसी के साथ में या बलगम के साथ में आपको खून आना, रक्त आना, इसे हम कहते हैं हेमिप्टाइसिस। इसके दूसरी बात करें, ब्लड विद स्पुटम यानी कि जब स्पुटम बलगम आपका आता है उसके साथ में किसी को खून आना, रक्त आना, ठीक है, इज कॉल्ड हेमिप्टाइसिस। हम बात करते हैं इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसे मरीज जिनको टीवी का इन्फेक्शन है या लंबे समय से टीवी से ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों में उनके खांसी के साथ में ब्लड आ सकता है, रक्त आ सकता है, या फिर लंग कैंसर। लंग कैंसर के मरीजों में भी हेमिप्टाइसिस हो सकता है यानी उनके खांसी के साथ में बलगम के साथ में खून आ सकता है। फॉरेन बॉडी अगर चली जाए ट्रेकिया के अंदर तो उसकी वजह से भी खून आ सकता है। ट्रॉमा, किसी पेशेंट को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, ट्रॉमेटिक भी किसी मरीज को भी हेमिप्टाइसिस हो सकता है। ALVF यानी कि एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर यानी कि किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए, यानी कि उसका भी एक चैम्बर जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर कह रहे हैं, उसकी वजह से भी कई पेशेंट को हेमिप्टाइसिस होता है। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जैसे माइटल स्टेनोसिस या फिर एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म, या इसके बाद में ब्रोंकियेक्टेसिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमिप्टाइसिस यानी कि कई ऐसे कारण हैं इनके अलावा भी जो हेमिप्टाइसिस कर सकते हैं, खांसी के साथ में खून आ सकता है। लेकिन ये जो कारण है ये मोस्ट कॉमन कारण है जिनकी वजह से खांसी के साथ में व्यक्ति मरीजों को खून आ सकता है। हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन आपके डॉक्टर यहाँ पर करा सकते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में किसी मरीज को अगर ट्यूमर है, कोई फॉरेन बॉडी है या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगा। FBC यानी फुल ब्लड काउंट, से हम CBC भी कहते हैं। इसमें भी हमें प्लेटलेट्स काउंट या WBCs या जो इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, बड़ी हुई मिल सकती हैं या फिर एबनॉर्मल देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करें CT एंड VT। CT यानी कि स्क्लॉटिंग टाइम और होता है VT यानी कि ब्लीडिंग टाइम, तो यहाँ पर हमें दोनों देखने रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी यानी कि जो आपके ब्रोंकस हैं, जो आपकी ब्रोंकियल ट्री है उसके अंदर एक ट्यूब डाला जाता है, कैमरा लगा होता है उसके अंदर, जब उसको एंटर किया जाता है तो वहाँ पर जो भी कोई एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो भी कोई ऐसी बीमारी होगी, ट्यूमर होगा, फॉरेन बॉडी होगा, कुछ भी ब्लड क्लॉट होगा, कुछ भी अगर होगा तो हमें ब्रोंकोस्कोपी से देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं CTPA। CTPA का फुल फॉर्म होता है सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राम, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पता लगाते हैं या एम्बोलिज्म का पता लगाते हैं, जिसकी वजह से अंडरलाइंग डिसीजेस में ये किया जाता है, नॉर्मली ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। इसके अलावा एज कंडीशन जैसे कि हार्ट फेल्योर की वजह से अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको ECG वगैरह है और मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी आपको करानी पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट पेशेंट का निर्भर करता है कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है और इसके साथ में हमें ऑक्सीजन की हाई मात्रा देनी पड़ती है और कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ले रहा है मरीज या नहीं ले रहा। उसके बाद में वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की जरूरत इसलिए पड़ेगी अगर कोई सीवियर केस है, एक्यूट सीवियर केस है तो वहाँ पर आपको वेंटिलेशन जरूरत पड़ सकती है क्योंकि लंग्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे अगर किसी को सीवियरिटी ज़्यादा है डिजीज की। इसके बाद इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन यानी कि उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला जाता है, एक ट्यूब डाली जाती है जिससे पेशेंट सांस लेने में उसको तकलीफ नहीं होती, सांस आसानी से ले सकता है। इसके बाद में सर्जरी, सर्जरी यानी कि इमरजेंसी केसेस में उस पेशेंट को सर्जरी भी की जा सकती है। फ्रेंड्स, आज हमने जाना है हेमिप्टाइसिस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नया टॉपिक में। अब तक के लिए वाह बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।